जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर दसवें स्कंद का 59वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी देव की सुनी प्रार्थना, चढ़े गरुड़ हरि जाए, भूम भूमा सुर आदि सब दानव दिए नशाए, 16 सहस्त्रु 100 राजसुता गुण खान, बंदी घर सो मुक्त करी व्याही श्री भगवान। सुनी राजा परीक्षित पूछने लगे, हे मुनिवर भगवान श्री कृष्ण ने किस कारण से भौमासुर को मारा और उन 16,100 कन्याओं को बंदी ग्रह से छुड़ा कर हरण किया, सो वह कथा विस्तार सहित मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित भौमासुर बड़ा प्रबल दानव था। उसने वरुण देव के छत्र को तथा देव माता अदिति के कुंडलों को एवं इंद्रा आदि देवताओं के निवास स्थान मणि नामक पहाड़ को छीन कर अपने अधीन कर लिया था और संतर्त होकर स्नान वही निवास करता था। इंद्रा आदि देवगण सभी उनके भय से कांपते हुए इधर उधर छिप कर राह करते थे। एक दिन इंद्रदेव अपने दुख के समाचार को भगवान कृष्ण चंद्र जी को सुनाने के लिए द्वारिकापुरी में पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने भौमासुर के समस्त कर्म भगवान को कह सुनाए। यह सुन श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर घोर शस्त्रों से एवं चारों ओर जल की खाई यानी नहर से घिरे हुए कोट में भौमासुर की प्रयाग ज्योतिपुर नामक राजधानी में गए। वहां जाते ही भगवान कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से पर्वतों को तीक्ष्ण वाणों से शस्त्रों की पंक्ति वाले दुर्ग को चक्र से अग्नि जल तथा वायु को लंबी तलवार के मुर के पासों को तथा गदा के प्रहार से वहां लगे हुए विविध यंत्र यानी मशीन आदि सब तोड़कर चूर चूर कर डाले। नगर का कोट गंदा की चोटों से पृथक टूट कर जल की खाई में जा गिरा। हे परीक्षित फिर भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य नामक दिव्य शंख बजाया जिससे स्त्रियों के हृदय कंपायमान होने लगे। उस शक्ति की ध्वनि को सुनकर सोता हुआ पंचमुखी मुरासुर जाग उठा और शीघ्र ही जल से निकल कर बाहर आया और वह अपने पांचों मुखों से तीनों लोकों को ग्रस्ता हुआ क्रोध से अपने शूल को उठाकर कृष्ण जी की ओर दौड़ा। हे राजन जिस प्रकार सर्प अपने ही काले रूप गरुड़ को मारने के लिए झपटे उसी प्रकार वह तैते दौड़ता हुआ कृष्ण जी के से निकट आ पहुंचा। उस मूर दैते के खुले हुए पांचों मुख ऐसे दिखाई देते थे कि वह गरुड़ के सहित भगवान को ही निगल लेगा। उसे देखकर गरुड़ पर बैठे हुए कृष्ण पत्नी सत्यभामा घबराई। मूर दैते ने गरुड़ जी के मारने को बड़े वेग के साथ अपना शूल फेंका, कारण कि गरुड़ के मरते ही भगवान पत्नी सहित नीचे आ गिरेंगे। किंतु भगवान ने अपने तीक्ष्ण तीन बाणों से उस शूल के तीन टुकड़े पृथक पृथक कर दिए और अपने भक्त गरुड़ की रक्षा की। पुनः भगवान ने कई बाण दैत्य मोर के मुख पर मारे किंतु उससे मोर दैत्य का बाल भी बाका न हुआ। उसने मुख से सिंहनाद के
तुल्य घोर शब्द करके एवं अपने लाल लाल नेत्र कर हाथों में प्रबल गदा लेकर कृष्ण जी के मारने को वेग के साथ ऊपर फेंकी, किंतु भगवान ने ऊपर आने से पहले ही बीच में अपनी गदा छोड़ी, जिससे मुरासुर की गदा का चकनाचूर हो गया। फिर शास्त्र विहीन हुआ वह दैत्य अपनी भुजाएं पसार कर ऊपर उछला। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से मुरासुर के पांचों मुख शीघ्र ही काट दिए, जिससे वह प्राणों को त्याग कर जल में जा गिरा। हिराजन मुरासुर के सात पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष श्रवण, विभावसु, वसु, नभसवान तथा अरुण। ये सातों बल में कम न थे। अपने पिता की मृत्यु को सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध चढ़ा और वे भौमासुर से प्रेरित अपने अपने आयुधों को धारण कर उत्साह सहित पीठासुर सेनापति को आगे कर कृष्ण जी से संग्राम करने आए। उन्होंने आते ही बाण, शक्ति, शूल, तलवार आदि शस्त्र भगवान कृष्ण के ऊपर फेंकने आरंभ कर दिए। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने उनके शस्त्रों की वर्षा अपने बाणों द्वारा काट कर दूर कर दी और सेनापति के साथ साथ उन्हें सातों पुत्रों को भी शीघ्र यमपुर पहुंचा दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तदंतर भूमि पुत्र नरकासुर यानी भौमासुर इस समाचार को सुनते ही अनेक प्रकार के आयुधों को धारण कर स्वयं हाथी पर चढ़कर भगवान कृष्ण से युद्ध करने आया। तब श्री कृष्ण चंद्र जी ने शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उनका भी मस्तक काट कर धड़ से पृथक कर दिया और उसे यमपुर पहुंचाया। इस दृश्य को देखकर दानवगण हाहाकार करते हुए विलाप करने लगे और वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग गए। तब स्वर्ग में धुंधबिया बजने लगी, भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवगण प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण चंद्र जी की विभिन्न स्तुतियां करने लगे। तदंतर भौमासुर की माता पृथ्वी वैजयंती माला एवं वरुण देव के छत्र को कृष्ण जी के समर्पण कर स्तुति गान करने लगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पृथ्वी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान कृष्ण भगदत्त को अभय दान देकर भौमासुर के सुरक्षित सुंदर भवन में प्रविष्ट हुए। वहां भौमासुर से अपहरण कर लाए 16,100 राजकन्याएं कैद हुई बैठी थी। उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र जी को भवन के अंदर आते हुए देखा और उसके ऊपर को देखकर मन में उन्हें अपना पति मानने लगी और कहा, आप हम दुखियों को अपनी दासी बनाइएगा। फिर श्री कृष्ण ने उनको पालकियों में बैठा कर अपनी द्वारिकापुरी को भेजा और आप सत्यभामा पत्नी के साथ वहां से सीधे इंद्रपुरी को चले गए। वहां इंद्रदेव तथा इंद्रानी ने कृष्ण सत्यभामा की विविध सामग्रियों से पूजा की। पुनः श्री कृष्ण जी ने माता अदिति को उनके कुंडल समर्पण कर दिए और फिर सत्यभामा की हार्दिक इच्छा से श्री कृष्ण चंद्र जी ने वहां के कल्प वृक्ष उखाड़ लिया और अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर रख लिया। पुनः उस पर बैठकर द्वारिकापुरी को जाने लगे।
तब उस कल्प वृक्ष को द्वारिका ले जाने के कारण इंद्रादिक देवता भगवान कृष्ण पर अत्यंत कुपित हुए, किंतु वे बेचारे कर ही क्या सकते थे। वे श्री कृष्ण जी से परास्त होकर स्वयं हाथ मलते रह गए और भगवान कृष्ण सत्यभामा सहित द्वारिकापुरी में चले गए। वह कल्प वृक्ष सत्यभामा के बगीचे में लगा दिया गया, जिससे कि वे प्रतिदिन उनका दर्शन कर लिया करें, जिससे कि वे प्रतिदिन उनका दर्शन कर लिया करें। कल्प वृक्ष की सुगंध में मतवारे ब्रह्मर यानी भोरा कल्प वृक्ष के पीछे पीछे स्वर्ग लोक त्याग कर द्वारिकापुरी में चले आए और प्रसन्न हुए सत्यभामा के बाग में सैर यानी पर्यटन करने लगे। इसके अनंतर भौमासुर के भवन से आई उन 16,100 कन्याएं ने श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना पति बनाने का अवसर प्राप्त किया और शुभ मुहूर्त में सभी श्री कृष्ण चंद्र जी की धर्म पत्नियां हो गई। पुनः वे राजकन्याएं अपने अपने भाग्यों की प्रशंसा करती हुई वैकुंठ लोक का आनंद भोगने लगी। भगवान कृष्ण अपने अनेक रूपों को धारण कर सदैव उनकी कामोच्छाएं पूर्ण किया करते थे। सभी अपने अनुभव द्वारा यह समझती थी कि भगवान मोहन मुझसे अतिरिक्त किसी से भी प्रेम नहीं करते। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पर ब्रह्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपनी माया से सबों को भुला रहे हैं, जिनके गुणों एवं कर्मों को कोई सिद्ध पुरुष तक नहीं जान पाते। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 59वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 60वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।